अस्सलाम वालेकुम सामीन, 5 सफर मुजफ्फर और 11 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है, मैं बीजेपी मुक्त राम चाहता हूँ, बस 3 महीने इंतज़ार करिए। ये ऐलान किया है महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी एक आदर्श घोटाला हुआ है, मिसाली घोटाला हुआ है। इस घोटाले में कौन लोग शामिल हैं? हमने मंदिर बनाने के लिए अपना खून दिया, किस लिए? शंकर आचार्य मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा मैं हिंदू पीठ में छुरा नहीं मार सकते। शिवसेना UBT चीफ और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्त रोज़ ठाणे में अपने हामियों को खिताब करते हुए कुछ स्कीमों का तज़किरा किया और कहा कि आज महाराष्ट्र में खातिन को बेइज्जत किया जा रहा है, लूटमार मची हुई है, बस इंतज़ार कीजिए, मुंबई ठाणे मेरा है, कोंकण मेरा है। उद्धव ठाकरे ने कहा मैं सभी गुजरातियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उन्होंने मेरी पार्टी मेरा चुनाव निशान चुरा लिया है और अब मुनगटिवाल लंदन जाकर वाग्गा नख ले आए। पहले वे 15 लाख देने वाले थे, 15 लाख का क्या हुआ? भाई और बहनों बोलने वाले कहाँ हैं? उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ गुजरात जाता है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात चला गया है। क्या हम भिखारी हैं? हम भिखारी नहीं हैं। आप हमें 1500 रुपये लड़की बहन योजना दे रहे हैं, 1500 रुपये ये क्या होता है? क्या आप 1500 रुपये में घर चला सकते हैं? आप 1500 रुपये में किताबें भी नहीं ख़रीद सकते और ऊपर से किताबों पर GST भी है, एक के बाद एक सभी स्कीमें गुजरात जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा अयोध्या में भी एक मिसाली घोटाला हुआ है, इस घोटाले में कौन लोग शामिल हैं? उन्होंने कहा हमारे साथ मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी हैं। मैंने पहले कहा था कि या तो आप रहेंगे या मैं। मैंने सुना है कि वे नवंबर के महीने में चुनाव करा सकते हैं, यानी महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वे 4 महीने के लिए 1500 रुपये दे सकते हैं। क्या आप महाराष्ट्र को 1500 रुपये में बेचना चाहते हैं? ये एक योजना है, आपको पैसा लेना चाहिए और ये आपका पैसा है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है कि मैं बीजेपी मुक्त राम चाहता हूँ।